हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 ऑल टुगेदर एंड योर सब्जेक्ट इज़ ईवीएस। सो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक इज़ सोशल फैसिलिटीज़, सामाजिक सुविधाएं, कि हम जिस समाज में, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ हमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वो हम तक कैसे पहुँचती हैं और ये सारी प्रोसेस किस तरह से होती है वो मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लिसन स्टूडेंट केयरफुली। अवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी। हमारा जो देश है ये विविधताओं के मामले में बहुत ही धनी है। अवर कंट्री शोज़ डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। हमारे देश में जो विविधताएँ पाई जाती हैं वो हमारे धर्म में, हमारी जातियों में, हमारी भाषाओं में, हमारे जेंडर, हमारे सेक्स में, हमारे स्टेटस में, यानी कि इन सारी बातों में आपको हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी। ऑल्दो दीज डाइवर्सिटीज आर देयर इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटीज़। लिसन स्टूडेंट्स, इन सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारे यहाँ हमें एक बराबर ही सुविधाएं हर एक व्यक्ति को प्राप्त कराई जाती हैं। वी शुड थिंक अबाउट वेयर दीज फैसिलिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम। क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सारी सुविधाएं जो हम तक पहुँचती हैं उनका जन्म कहाँ से होता है या कहाँ से शुरू होकर वो अंत में हम तक पहुँचती हैं। सो लिसन स्टूडेंट, हियर We shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारी सुविधाएं क्या हैं और ये किस तरह से हम तक पहुंचती हैं और हम इन सुविधाओं के बारे में कितने सतर्क रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है और इसका टॉपिक है हमारा आर्यन्स स्टोरी। मतलब कि मैं यहाँ पर आपको एक आर्यन नाम के लड़के की स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह से वो अपनी सारी सुविधाएं प्राप्त करता है एक नए शहर में जाने के बावजूद और किस तरह से फिर उसकी लाइफ एक सिस्टमेटिक लाइफ बन जाती है। सो लिसन स्टूडेंट्स, वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन रीच अहमदाबाद। एक आर्यन नाम का लड़का अहमदाबाद पहुँचता है। He started living in one of the two cement pipes kept near the road. और वो रहना शुरू करता है, अपना जीवन निर्वाह करना शुरू करता है दो सीमेंट के पाइप हैं जो कि किसी रोड के किनारे रखे गए हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई देगा। One another boy joined him and now both started living together. फिर एक और लड़का आता है जो उसके इस लाइफस्टाइल में उसके साथ ही रहने लगता है और दोनों एक साथ मिलकर अपना लाइफ व्यतीत करने लगते हैं। बोथ द फ्रेंड्स नाउ यूजिंग द शेड एंड द सेवेज पाइप दे कैन लीव अ मोर सिस्टमेटिक लाइफ। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने अपने पाइप के बाहर इस तरह का एक शेड लगा लिया है, मतलब कि तंबू जैसा बना लिया है और वो दोनों इस गटर के पाइप हैं ये एक्चुअली स्टूडेंट्स, तो इन गटर के पाइप में भी वो किस तरह से अपनी पूरी लाइफ मैनेज कर रहे हैं। दे कुक्ड देयर फूड, स्लेप्ड एंड लिव्ड इन द पाइप। वो अपना खाना वहीं बनाते हैं, सोते हैं और उसी पाइप में ही उनकी लाइफ व्यतीत होने लगती है। सो लिसन स्टूडेंट्स, From this story, I want to tell you that कि किस तरह से कहीं पे भी हम अगर चाहें तो systematically एक दूसरे की सहायता से अगर हम एक दूसरे को help करते हैं तो हम किस तरह से अपनी life को systematically बना सकते हैं। आया समझ में? So, now the second topic is the journey of grains and vegetables. तो आपने कभी सोचा है कि आपके घर में ये जो भी खाने पीने का, ये जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं ये कहाँ शुरू होती हैं और कैसे आप तक पहुँचती हैं? तो इस पिक्चर के द्वारा मैं यही चीज़ आपको समझाने जा रही हूँ। सो लुक एट द पिक्चर केयरफुल्ली एंड लिसन स्टूडेंट।
इन दिस फर्स्ट पिक्चर द फार्मर एंड हिज वाइफ आर फिलिंग द फूड ग्रेन्स ग्रोज इन द फील्ड्स इन अ सेक। आप अगर पहले पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर एक किसान है और उसकी पत्नी है जिनके खेत में बहुत सारा अनाज हुआ है, और यहाँ इस पिक्चर में वो आपको इस बोरे में वो अनाज भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ही इज़ अ फार्मर। देन द होल सेलर सेल द ग्रेन्स बैग्स टू रिटेल मर्चेंट। उसने इस तरह से बोरे में गेहूँ भरा, अनाज भरा, उसके बाद ये सारे ग्रेन बैग्स, ये जो अनाज के थैले हैं, वो होल सेलर मर्चेंट यानी कि जो होल सेल में सारा सामान बेचता है ऐसे व्यापारी को बेच दिया जाता है। देन अ वुमन बाइंग डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम अ ग्रेन ग्रॉसर। और उसके बाद आपको दिखाई देगा कि एक वुमन अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स ग्रेन्स एक ग्रीन ग्रॉसर दुकानदार से खरीद रही है। देन द ग्रीन इज ग्राउंड इनटू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग मिल। बाद में इस अनाज को ग्राइंडिंग मिल यानी चक्की में पीस कर आटा बनाया जाता है। नाउ एट द लास्ट पिक्चर यानी कि इन दिस पिक्चर अ वुमन प्रिपेरिंग डो फ्रॉम द फ्लोर एंड प्रिपेरिंग फूड। और एट लास्ट उस आटे को गूंद कर एक डो बनाया जाता है और उसी आटे से घर पे चपाती यानी उनका खाना बनता है। सो स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि हम जो घर पे हमारे जो भी चीज़ें खाते हैं या जो भी सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं तो वो किस तरह से कहाँ उनका जन्म हुआ और किस तरह से वो हम तक पहुँची। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ कि जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हम एक दूसरे की मदद करके हमारी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। नाउ दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रूपल। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड रूपल। ये एक रूपल नाम की लड़की की कहानी है। ऑल द अदर चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी गो टू स्कूल। उसकी लोकेलिटी में उसके आसपास में जितने बच्चे हैं वो सब स्कूल जाते हैं। रूपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो एंड वॉज अनेबल टू गो टू स्कूल एज शी कुड नॉट वॉक। रूपल भी उसी लोकेलिटी में उसी ही सोसाइटी में रहती हैं बट वो पोलियो से ग्रसित हैं, उसके दोनों पैरों में पोलियो हो गया है जिसकी वजह से वो स्कूल चलकर नहीं जा सकती है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिटी गिफ्टेड रूपल विथ अ व्हील चेयर ड्यू टू विच शी इज एबल टू अटेंड द स्कूल विद द हेल्प ऑफ अ बॉय लिविंग इन हर नेबरहुड। सो लिसन स्टूडेंट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिटी एक शहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने संस्था ने रूपल को एक व्हील चेयर गिफ्ट की जिसकी वजह से वो स्कूल आसानी से पहुंचने लगी। बट इस व्हील चेयर पर भी उसी के लोकेलिटी का एक लड़का है जो उसे उसके स्कूल तक पहुंचाता है। रूपल इज़ वेरी हैप्पी विथ हर लाइफ नाउ। और इस तरह से रूपल की लाइफ भी अब खुशियों से भर चुकी है। सो लिसन स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये गर्ल जो स्कूल नहीं जा पाती थी वो भी अब एक ऑर्गेनाइजेशन एक बॉय और स्कूल के सपोर्ट से उसकी भी लाइफ हैप्पीली हो गई है। सो स्टूडेंट्स इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है ताकि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नाउ स्टूडेंट एट लास्ट द स्टोरी ऑफ अ पॉटर। जिस तरह से मैंने आपको फूड ग्रेन्स की एक स्टोरी सुनाई तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉटर की यानी कि कुम्हार की कहानी सुनाने वाली हूँ। Look at the picture carefully, students. A potter lived in a village. एक कुम्हार जो गांव में रहता था। He had a donkey. उसके पास एक गधा था। The potter made pots for his living. और वो जो कुम्हार है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए घड़े बनाने का काम करता था। He went out of the village. वो गांव से बाहर जाता। Dug clay. मिट्टी खोदता। Loaded the clay on his donkey. और फिर उस मिट्टी को अपने गधे पे लाद कर लेकर आता। एंड ब्रॉट इट होम और अपने घर वापस आ जाता उस मिट्टी के साथ। ही सोक्ड क्ले एंड प्लेस्ड इट ऑन हिज पॉटर्स व्हील। उस मिट्टी को वो भिगोता और फिर उसे अपने पॉटर्स व्हील यानी कुम्हार का जो पहिया होता है जिसकी मदद से वो घड़े बनाता है
उस पे वो उस मिट्टी को रखता। ही मेड पोट्स एंड देन बेक्ड इन एन ओवन, और इस तरह से वो घड़े बनाता और फिर उन्हें ओवन, यानी कि जब घड़ा बन जाता है, मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं, तो उन्हें पकाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बर्तन पक्के हो जाते हैं और जल्दी से टूटते नहीं हैं। ही लोडेड देम ऑन अ व्हीकल एंड टुक देम टू नियर बाय सिटी फॉर सेलिंग। फिर उन सारे घड़ों को वो एक किसी बड़े व्हीकल में लोड करता, यानी लाद लेता, एंड टुक देम टू नियर बाय सिटी फॉर सेलिंग, और पास के किसी शहर में बेचने के लिए जाता था। इन द सिटी ही सोल्ड द पोर्ट्स टू द ट्रेडर, और वहाँ जाकर वो किसी भी ट्रेडर, यानी जो कि दुकानदार और बनाने वाले के बीच में एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है, जो उससे खरीद कर उसे दुकानदार तक पहुँचाता है, उसे बेच देता। दिस वे द पॉटर अर्न हिज लिविंग, और इस तरह से वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पैसे कमाता था। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी सुनाने का मोरल ये है कि किस तरह से एक इंसान ने अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए कहाँ घड़ा बनाया, और वो घड़ा कहाँ तक आपके घर तक और मुझ तक पहुँचा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली इट।